Om Ganeshaya Nama, Om Ganpate Nama, Om Shram Shreem Shrom Sa Ketve Nama. Dosto, welcome to the world of Ketu. Ketu ki duniya mein aapka swagat hai. Is video series mein, second part pe, we'll cover the most secretive hidden planet Ketu. Ketu ko hamesha hi duniya ka sabse khatarnak planet mana jata hai. Which can cause destruction to any level. So we'll discuss about the mysteries and realities of Ketu. Rahu and Ketu both are karmic planets. Aur wo humare karmas ke concern rakhte hain. They are not physical bodies, mass. They are only nodes or shadow planets. Northern intersection of sun and moon orbit. Cross junction is Rahu. And southernmost is Ketu. तो दोस्तों इसके बारे में हमने केतु के बारे में काफी लंबा चौड़ा कवर किया है हमारे पार्ट वन जिसके अंदर हमने केतु के चार्ट में फर्स्ट हाउस के बारे में डिस्कस किया है केतु के बारे में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके शुरू के पार्ट को सुने जिसमें आपको केतु के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है इस वीडियो में हम कवर करेंगे केतु का हमारे बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में प्लेसमेंट होगा तो हमें उस पे क्या इफेक्ट मिलेंगे दूसरे वीडियोस के अंदर हम केतु के डिफरेंट हाउसेस के बारे में कवर करेंगे सो जो केतु के मेजर पार्ट जानने के लिए एज ए प्लेनेट आप केतु इन फर्स्ट हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट को मेरी वीडियो को देखें राहु एंड केतु दोनों एक ही कॉइन के दो साइड हैं राहु जो है वो मटेरियलिज्म को डिपिक्ट करता है और केतु डिपिक्ट करता है डिटैचमेंट को सेपरेशन को एक मोक्षकारक प्लेनेट है हेडलेस बॉडी है जिसकी अपनी आईज नहीं है डिफरेंशिएट करने के लिए सो इट डजंट बिलीव इन द डिफरेंशिएशन केतु हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास का स्टोर हाउस है ये बताता है कि हमारे पिछले जन्म की स्पेशलाइजेशन किस जगह पे थी जिस जगह पे हमारे बर्थ चार्ट के अंदर केतु प्लेस होता है वो जो हाउस होता है उसके अंदर हमने पिछले जन्म में उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर चुके होते हैं मींस हमें उस हाउस के बारे में काफी नॉलेज रहती है हम उसके जो भी सिग्निफिकेशंस हैं उनमें मास्टरी कर चुके होते हैं सो होता क्या है कि इस जन्म में हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचता हमें उनसे डिटैचमेंट होती है तो दैट्स व्हाई वी कॉल केतु एज ए प्लेनेट ऑफ डिटैचमेंट मगर हमारी जो एक्सपर्टाइज होती है उन सिग्निफिकेशंस के बारे में इनबिल्ट डीएनए के अंदर होती है सो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे केतु अगर बर्थ चार्ट के अंदर सेकेंड हाउस में प्लेस हो तो उसके क्या सिग्निफिकेशंस रहते हैं वो हमारी लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है हमें उसमें क्या गेन मिलते हैं सेकेंड हाउस दोस्तों आप जानते हैं कि इट रिलेट्स टू योर फैमिली प्राइमरी एजुकेशन वेल्थ फिक्स एसेट्स ये कैश है आपकी पॉकेट में कितना पैसा है ये सेकेंड हाउस है जो बॉन्ड्स आपने ले रखे हैं एफडीज जमा रखा रखी हैं स्टॉक्स ले रखे हैं बैंक बैलेंस है गोल्ड है सिल्वर है ज्वेलरी है ये सेकेंड हाउस के सिग्निफिकेशन है आईज विजन स्पीच टेस्ट टंग नेक टीथ इवन सेकेंड मैरिज को भी हम सेकेंड हाउस से देखते हैं आपकी मैथमेटिकल केपेबिलिटीज रीडिंग बुक्स होता है सेल्फ और सेकेंड हाउस होता है जो सेल्फ के सबसे नज़दीक है नज़दीक क्या है आपका खाना आपके टेस्ट आपकी टंग आपका पर्स और आपकी जो फैमिली है जो फैमिली जो कि आपकी फादर मदर के रिलेटेड फैमिली है तो सब सेकेंड हाउस से आप दूसरा आपके जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है जो आप अपने घर से सीखते हैं जैसे कुछ बच्चे हैं अगर आपका सेकेंड हाउस डिफेक्टिव में उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे पैदा होते ही गाली देना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको घर से गाली देना सिखाया जाता है सो आपके जो संस्कार है वो सब सेकेंड हाउस से है दोस्तों सेकेंड हाउस के जो
जो प्लैनेट्स रहते हैं, कारक प्लैनेट रहते हैं, जुपिटर इज फॉर फैमिली एंड वेल्थ, मर्करी इज फॉर स्पीच एंड इंटेलिजेंस, वीनस इज फॉर द फैमिली, सन एंड मून इज फॉर द आईज, मून इज फॉर योर इनकम, योर मनी, योर फाइनेंसेस, योर कैश, सन इज अ सोर्स ऑफ ऑल द फंड्स. कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इक्वेशंस हैं, जैसे कि जो सेकंड हाउस होता है दैट इज योर ग्रोथ, एट्थ हाउस को कंसिडर करते हैं आपका डेथ हाउस, हाउस ऑफ डिजीज. एट्थ हाउस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ ऑफ योर वाइफ, एंड सेकंड हाउस इज कंसिडर्ड एज द डेथ ऑफ योर वाइफ. सो दोस्तों, ये कैसे है कि जो आपका डेथ हाउस है दैट इज द ग्रोथ ऑफ योर वाइफ, जो आपकी वाइफ का डेथ हाउस जिसको कंसिडर करेंगे दैट इज योर ग्रोथ. सो इसका मतलब देर इज समथिंग फर्दर टू दिस. इट इज नॉट ओनली द हाउस, इट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट्स अटैच्ड विद दिस. हमें सिर्फ हाउस ही नहीं देखना है, इसके साथ जो जुड़े हुए प्लैनेट हैं उनके सिग्निफिकेशंस का क्या इफेक्ट है उसको भी स्टडी करना है. चलो, ये एक सोच है जो दिस इज एक्सरसाइज फॉर यू टू थिंक ओवर. अरे जो पुराने ग्रंथ हैं या पुरानी बुक्स हैं वो इसके बारे में क्या कहती हैं. मानसागरी कहती है कि पर्सन सफर फ्रॉम शॉर्ट टेम्पर एंड देयर विल बी लॉस ऑफ वेल्थ ऑन दैट अकाउंट. ही विल हैव डिजीज ऑफ माउथ, ओपोजिशन फ्रॉम फैमिली मेम्बर एंड रिस्पेक्ट विल बी अचीव थ्रू हिज स्टॉक्स. If associated with benefits, he will enjoy all comforts. So, मानसागरी के अनुसार जो सेकेंड हाउस में केतु हो तो गुस्सा ज़्यादा आएगा, इस वजह से वो अपने पैसे का नुकसान करेगा. मुँह की कोई बीमारी होगी और फैमिली मेम्बर्स की ऑपोजिशन होगी. फल दीपिका के अनुसार he will benefit of learning, उसको लर्निंग नहीं आएगी. Will have a harsh speech. Will have a sinister look and will be dependent for food on others. Dr. B.V. Raman क्या कहते हैं? He'll be a bad speaker, quiet, quick in perception, peevish, hard-hearted, thrifty and economical. So ये हमारे जो तीन references हैं, अभी उनको आज के context में देखते हैं कि आज के context में केतु का second house पे क्या effect आता है. केतु का सेकंड हाउस में प्लेसमेंट इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर मेंटेनिंग ए स्मूथ फाइनेंशियल सिचुएशन थ्रू आउट लाइफ. क्या रहता है कि जो इंडिविजुअल है ही डजंट हैव इंटरेस्ट फॉर फाइनेंसेस. इवन इफ ही हैज गॉट इंटरेस्ट ही गेट लॉसेस इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. केतु का सेकंड हाउस में प्रेजेंस जो है वो सेकंड हाउस की जितनी भी सिग्निफिकेशंस है उनके साथ एक साइन ऑफ विथड्रॉल, डिटैचमेंट, लॉस, मोक्ष, साल्वेशन, ये सब पे करने के लिए ये केतु काफी है. इट मे बी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेविंग मनी, फैमिली लाइफ, स्पीच, फूड और मेंटेनिंग रिलेशंस. नहीं है कि सभी सिग्निफिकेशंस अफेक्टेड हों, ये डिपेंड करेगा साइन और कोई प्लैनेट उसका उसमें पोस्टेड हो. जैसे अगर जुपिटर का साइन सेकंड हाउस में हो या जुपिटर इन्वॉल्व हो, लाइक पोस्टेड हो, एस्पेक्ट हो, तो देन इट ब्रिंग्स टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन आदमी को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाएगा, मगर इट कॉजेज डिटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली. सो एक और प्रॉब्लम विद द वाइफ, क्योंकि जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन इन एट सेकंड हाउस विच इज एट फ्रॉम सेवेंथ. सो दिस इज द प्रॉब्लम इन द मैरिड लाइफ. अगर वैसे ही वीनस इन्वॉल्व हो जाता है सो इट इज अ डिटैचमेंट टू लव, सेक्स एंड लग्जरीज. इवन ये इफेक्ट कर सकता है आपकी कलेक्शन ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, आपकी जो गाड़ी है, उन चीज़ों की उनको अफेक्ट कर सकता है. अगर मून इन्वॉल्व हो जाता है तो
इशू कैन बी योर मदर, हेल्थ ऑफ योर मदर, आपका जो पर्स है, कैश, मनी, माइंड, अगर सन इन्वॉल्व हो जाता है तो इंडिविजुअल का अपने फादर के साथ क्लैश हो सकता है, फादर की हेल्थ गेट कैन गेट अफेक्टेड. दो कनेक्शन विद सन एंड मून विद केतु, देयर इज स्पिरिचुअल कनेक्शंस एंड डिटैचमेंट लीड हिम टू स्पिरिचुअलिज्म. दोस्तों केतु जो है वो आपकी वाणी में, आपके स्पीच में सरकास्टिक टोन देता है, आपकी जो वॉइस है वो इतनी तीखी होगी कि दूसरों को हर्ट करेगी. अगर इसके साथ मंगल का कॉम्बिनेशन हो जाए तो गाली और सरकास्टिक टोन, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स नेचर. केतु अगर सेकंड हाउस में है तो गैम्बल नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है. राहु एट्थ हाउस में आपको इंस्टिगेट करेगा गैम्बल करने के लिए और आपको छोटे छोटे गेन भी देगा, मगर आप जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, स्टॉक शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये मान के चलें कि आपको एक बड़े लेवल पे नुकसान हो सकता है. राहु जो है वो आपके एट्थ हाउस के अंदर आपके जो हिडन नॉलेज, लिगेसी, एडवेंचर, रिसर्च, इन चीजों को इंस्टिगेट करता है. और केतु जो है आपको वर्ल्ड से कट ऑफ करने की कोशिश करता है ताकि आप उस इंटरेस्ट को फॉलो कर सके. एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके सेकंड हाउस के अंदर केतु था, एट्थ हाउस में राहु की वजह से ही हैड गॉट लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन टू द रिसर्च, सो ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर रिसर्च. केतु का सेकंड हाउस में होने से ही नेवर हैड ए हैप्पी मैरिड लाइफ, ही गॉट डाइवोर्स्ड, ही वॉज कट अप फ्रॉम द सोसाइटी, ही वॉज फेलिंग इन हिज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. के सेकंड हाउस के अंदर केतु है, दे नीड टू हैव ए कंट्रोल ऑफ स्पीच, वर्ड तोल के बोले तो अच्छा है. केतु इन सेकंड हाउस गिव इन्फेक्शन, एलर्जी, स्मेल फ्रॉम माउथ. एट्थ हाउस के अंदर राहु होने से यूरिनरी ट्रैक और प्राइवेट पार्ट रिलेटेड आपको कोई ना कोई डिजीज हो सकती है जिसका डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. आप कई मेडिसिन लेते रहेंगे, सो देयर विल बी अ कनेक्शन. आपके मुंह में भी इन्फेक्शन रहेगा और आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी इन्फेक्शन रहेगा. जिनके केतु सेकंड हाउस में रहेगा उनको आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि उनके गले पे कोई ना कोई कट होगा, उनके फेस स्पेशली चिन के नीचे कहीं ना कहीं कट मार्क मिल जाएगा, स्पीच हार्श होगी, गाली भी यूज कर सकते हैं, फाउल यूज करेंगे, क्रिटिक्स हो सकते हैं और कोई डेंटल डिसऑर्डर होगा. देखेंगे दांत में कीड़ा ही लगता रहेगा, उनका टीथ के दांत ही निकलवाते रहेंगे. यानी पैसे के साथ कोई खास अटैचमेंट नहीं बचेगी, नेचर थोड़ा पैसिमिस्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी में तरक्की नहीं करेंगे. अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया को कोई नई थ्योरी दे सकते हैं तो वी कैन कंसिडर दे कैन रीच टू सम जेनिथ. वो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेंगे जो किसी को समझ नहीं आएंगे या जिनका मीनिंग या वैल्यू नहीं होगा. हो सकता है ज़्यादा बोलें, टेस्ट उनको खट्टा खाना, कड़वा खाना, वो उनको अच्छा लगेगा. केतु का सेकंड हाउस में एक लंबे टॉपिक्स रहते हैं, इनपे जितना भी डिस्कस करें कम रहता है. अगर आप लोगों की कोई कमेंट क्वेरी है तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें. चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. और आपका दिन शुभ रहे. ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः.